आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। छठ के महापर्व को लेकर घर से लेकर घाट तक तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में छठ पर्व के इस पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में घाटों की साफ सफाई में नगर निगम और स्वयं समूह जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में लक्ष्मण मेला ग्राउंड में छठ पूर्वा का आयोजन किया जाएगा और आज देर शाम डिप्टी सीएम बिजस पाठक लक्ष्मण मेला ग्राउंड में तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। वहीं शासन ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि घर घर में छठ पूजा को लेकर महिलाएं तैयारियां कर रही हैं और एक महापर्व है ये, जिस महापर्व के लिए गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, हर जगह पूरे प्रदेश में महिलाएं जोर शोर से इस छठ पर्व की पूजा को मनाने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद हैं। विभांशु, छठ पर्व की तैयारियां आपको क्या देखने को मिल रही है और घाटों पर क्या व्यवस्था है? मनीष जी, आपको बता दें कि छठ पर्व जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, नेपाल समेत जो भी तराई क्षेत्र हैं वहां का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और मनीष जी, आपको बता दें कि ये त्यौहार 4 दिन चलता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नहाए खाए का पर्व होता है, उसके ठीक बाद खरना होता है और खरने के बाद तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं जो पुरुष भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं इस पर्व व्रत। और साथ ही साथ चौथे दिन और अंतिम दिन आपको बताएं कि उगते हुए सूरज को पूरे पूजा अर्चना की जाती है, उनको अर्घ दी जाती है। साफ तौर से देखें तो ये कहीं ना कहीं ये त्यौहार सूर्य का से ताल्लुकात जोड़ता हुआ त्यौहार है और कहीं ना कहीं इसको षष्ठ पूजा भी कहा जाता है, मतलब कि सूर्य की पूजा। और इस वक्त मैं लखनऊ के ऐतिहासिक लक्ष्मण मेला मैदान में हूँ, जहाँ सालों से अगर बात की जाए तो छठ पूजा का आयोजन होता है। वहीं आपको बता दें कि ये त्यौहार की अगर बात करें तो मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों में सबसे ज़्यादा इस पर्व को मनाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार यह बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। साथ ही साथ पूर्वांचल में भी अगर बात की जाए तो ये बहुत ही प्रचलित है। अगर देखा जाए तो दिवाली से बड़ा त्यौहार इसे माना जाता है पूर्वांचल और बिहार के अंदर में। और मैं इस वक्त लक्ष्मण मेला मैदान में हूँ, जहाँ आपको तस्वीरों मेरे सहयोगी नीरज दिखा रहे होंगे कि आज जो खरना का दिन, नहाए खाए का दिन है, इस दिन लोग अपनी जो छठ की घाट पर जो बनाई जाती है प्रतिमाएं, जो जो छठ माता का मंदिर का जो बनाया जाता है उसको आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने दिख रहे होंगे कई छोटे बड़े कई आकार के छठ जो माता होती हैं उनके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि लोग आज सुबह से ही जो पहले से बनी है उसकी पेंटिंग, साथ ही साथ बात की जाए तो इसकी तैयारियों के लिए विशेषकर महिलाएं और पुरुष, चाहे बच्चे हो, हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ छठ घाट की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए इस लक्ष्मण मेला मैदान की तो आज सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ निरीक्षण करने आएंगे। मैं अपने सहयोगी नीरज से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं, भीड़ रहती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको तस्वीरों में बैरिकेडिंग दिख रही होगी, इस बैरिकेडिंग का लगाने का तात्पर्य ये है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो यहाँ प्रशासन के लोग भीड़ को नियंत्रण कर सके। साथ ही मैं आपको पीछे कहूंगा, अपने सहयोगी से दिखाएं, इस लक्ष्मण मेला मैदान में जो भी श्रद्धालु आएंगे अपनी श्रद्धा आस्था का जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए, तो उनको बैठने के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा मनीष जी कि यहाँ ये एक अस्थायी यहाँ पे एक बैठने का व्यवस्था किया जा रहा है जो यहाँ का प्रशासन है, लक्ष्मण मेला मैदान का प्रशासन है। वहीं आपको बताएं कि कहीं ना कहीं ये त्यौहार जो आपस में खुशियां और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ देने का त्यौहार है। और अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर जीवन और देवी देवताओं को, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवन और साथ ही साथ देवी देवताओं को, जो मनुष्य है उसको एक सूर्य का बड़ा योगदान होता है मनुष्य जाति में और साथ ही साथ जीव जंतुओं में, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का एक बड़ा योगदान होता है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो पर्यावरण है उसमें एक सूर्य का योगदान होता है और साथ ही साथ इस त्यौहार में मुख्य रूप से सूर्य की ही पूजा की जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो इस त्यौहार में जब भी कोई अगर कोई श्रद्धालु है वो अपनी मनोकामनाओं को पूरा
सेवा करने के लिए, अगर कोई भी प्रतिष्ठान होता है, घर में शादी होती है, मुंडन होता है या जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार होता है, कोई भी तरह का संस्कार होता है मनीष जी, तो उसमें लोग अपनी मन्नत के अनुसार यहाँ कोसी भी भरते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि आपको छठ माता का मंदिर दिख रहा होगा, जो जो कोसी भरने वाले लोग हैं वो गन्ने के जो गन्ना होता है, फसल होती है उसके, उससे यहाँ बैरिकेटिंग करके और लोग कोसी भरने का काम करते हैं। साथ ही आपको बताएं कि एक और इस त्यौहार का मानता ये है कि आपको तस्वीरों में एक छोटी सी छठ माता का प्रतिमा दिख रहा होगा, जो प्रतिमा स्वरूप है। इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ दर्जनों लोग इसके इर्द गिर्द बैठ कर और छठी मैया का आराधना करते हैं। साथ ही साथ लोक संगीत से भी कहीं ना कहीं छठ माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तमाम पौराणिक अगर बात करें तो गाने भी हैं, वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ जो ये पूरा आयोजन करते हैं, साथ ही साथ उनके अथक प्रयासों से आज कहीं ना कहीं जो लखनऊ है, जो पूर्वांचल से हटकर अवध क्षेत्र में आता है, वहाँ भी छठ को पहचान कहीं ना कहीं मिली है। तो उसमें अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय का एक बड़ा योगदान रहा है। साथ ही मैं इनसे संवाद भी साधने का प्रयास करूंगा कि आखिर लगभग जहां तक जानकारी है, लगभग 39 सालों से प्रभुनाथ राय यहां छठ का आयोजन कराते हैं, साथ ही साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के ये अध्यक्ष भी हैं। और कहीं ना कहीं मनीष जी देखा जाए तो इस त्यौहार के माध्यम से जो पूर्वांचल के लोग हैं, साथ ही साथ झारखंड के हैं, बिहार के हैं और तमाम जो जहाँ छठ का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, उनको जो वहाँ से निकल कर अब अन्य जगहों पर यानी कि लखनऊ में आए हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था उनकी तरफ से किया जाता है। जी हिमांशु, थोड़ा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि छठ पर्व को, ये महापर्व है और उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित होंगी और सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना भी करेंगी वहां पर, इसके बाद वहां पर चेंजिंग रूम के लिए क्या व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिल रही है, और साथ में वहां पर क्योंकि डेंगू की महामारी भी इसमें फैली हुई, बड़ी ज़्यादा मरीज उसमें सामने आ रहे हैं, तो वहां पर फॉगिंग और छिड़काव को लेकर क्या आपको व्यवस्था वहां देखने को मिल रही है इस समय? जी अगर बात की जाए तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार आप घाट को दिखाएं और घाट में काम कर रहे कर्मचारियों को दिखाएं कि वो पूरे घाट की सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि झाड़ू से पानी की गुणवत्ता को साफ किया जा रहा है और सीढ़ियों को साफ किया जा रहा है। डेंगू या पानी में फैलता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर पहले से भी अलर्ट है, जो यहाँ का आयोजक प्रशासन है, साथ ही साथ जो जो नगर निगम है वो भी विशेष व्यवस्था की है। आपको बताएं कि हमारे सहकर्मी सागर थापा ने आज जब इंद्रमणि से इस विषय में बात किया तो उनका कहना था कि फॉगिंग और साथ ही साथ जो गंगा या ये सामने नदी है गोमती, इसकी सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और तटीय जो ये तट है, जो जहाँ पे ये स्थान बनाया गया, घाट बनाया गया है, यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। पानी की गुणवत्ता की जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ साफ है। वहीं अगर बात की जाए तो सुरक्षा के साथ ही साथ यहाँ स्वच्छता को लेकर नगर निगम की गाड़ियों को भी लगाया गया है, जो निरंतर रूप से यहाँ का कूड़े को उठा रही है, कचरे को उठा रही है। और बात की जाए तो पूरी तरह से सुसज्जित ये पूरा जो घाट है वो नजर आता है। वहीं मैं कुछ यहाँ श्रद्धालुओं से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अपने आस्था और श्रद्धा को लेकर कहीं ना कहीं ये भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल या बिहार से आती होंगी, झारखंड से आती होंगी। आप देख रहे हैं कि छठी मैया का जो मंदिर होता है उसे तैयार कर रही हैं अपने हाथों से, साथ ही साथ इनके बच्चे भी इनके साथ में हैं। मैम हमें ये बताएं आंटी कि छठी मैया के आराधना करने से क्या चीजों की प्राप्ति होती है और इस त्यौहार का क्या महत्व है? अब इतना भैया छठ माई के त्यौहार करने से भाई सभी कुछ मिलता है, बेटा बेटी धन दौलत, सबसे बड़ी तो मन की शांति मिलती है। अच्छा, कहा जाता है कि त्यौहार चार दिन का होता है जिसमें नहाना खाना, खरना, डूबते सूरज को अर्घ देना, उगते सूरज को अर्घ देना, तो क्या इसका महत्व है और कैसे इस त्यौहार को मनाया जाता है? हम तो रुकी उधर करेंगे तो गलत बता देंगे ना। जी तो हम जी आप बताएं। एक्चुअली हम लोग को पता नहीं है बट ये कि जब देख देख के किया जाता है, हम लोग गोरखपुर के हैं, हम लोग बिहारी नहीं है उस तरह से, तो हम लोग को इतना ज्यादा इस त्यौहार का काफी महत्व माना जाता है क्योंकि वो बिहार से सटा हुआ जिला। जी जी जी। और कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि मतलब कि हम लोग को करने का तो ये है कि अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके लिए कोसी भरी जाती है, तो बस ये है कि हम लोग की अगर मन्नत पूरी हुई है तो उसके लिए कोसी भरी जा रही है, बाकी हम लोग को। बिल्कुल, तो मैं तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि छठ घाट का निरीक्षण करने सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां आए हैं,
साथ ही मनीष जी आपको बता दें कि यहाँ छठ घाट के निरीक्षण के साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो छठ घाट के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और सूबे के मुख्यमंत्री भी अपनी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं। आप तस्वीरों में ठीक सामने देख रहे होंगे कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लक्ष्मण मेला मैदान स्थित छठ घाट का निरीक्षण करने आए हैं। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि निरीक्षण करने आए हैं और साथ ही उनकी साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। वो छठ घाट पर जाकर और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण करेंगे और साथ ही कहीं ना कहीं वो भी इस लक्ष्मण मेला मैदान में अपने पूजा अर्चना को लेकर आते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ प्राइम टीवी के कैमरे पे कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ अपने आस्था को लेकर और साथ ही साथ निरीक्षण को लेकर पहुंचे हुए हैं। और जी मनीष जी, हाँ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस समय लक्ष्मण मेला ग्राउंड पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए कि कल की क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था इस समय चल रही है। इतनी बड़ा महापर्व है, इसको चाक चौबंद व्यवस्था रहनी चाहिए वहां पर। इसके लिए खुद डिप्टी सीएम वहां का मुआयना करने के लिए लोकेशन पर मौजूद है। विभांशु, वहां पे जैसे कि निर्देश दिए गए होंगे। जी विभांशु, जहाँ जैसा कि जानकारी में प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जहाँ भी नहाए खाए की पूजा होगी वहाँ पर एक अर्पण स्थल बनाया जाएगा, जिससे कि वहाँ के जो फूल और जो भी यहाँ पे अर्पण किया जाएगा वो जगह जगह पे ना फैले, इसको लेकर वहाँ पे आपको क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि यहाँ नगर निगम की तरफ से हर एक व्यवस्था की गई है। आप सीधे कैमरों में देख रहे होंगे कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो मौजूद हैं और घाट की सफाई कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि अचमन कर रहे हैं पानी को लेकर, जो गोमती नदी है उसके पानी को लेकर वो अचमन कर रहे हैं। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पवित्र नदियाँ होती हैं उसके अचमन करने से कहीं ना कहीं देखें तो उससे बरकत होती, एक अलग ही आस्था होती है। और मनीष जी, आपको बताएं कि अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं, पूरी तरह से यहाँ लगी हुई है कि जिससे कुछ अनहोनी ना हो सके, क्योंकि मेले हजारों की संख्या में लोग आते हैं। साथ ही अगर बात की जाए मनीष जी, तो अगर देखें तो आप अभी आपके सवाल पे तो सूबे के मुख्यमंत्री के खुद उनके पास स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आप तस्वीरों में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पानी के अंदर में ब्लीच भी डाला गया जिससे पानी की गुणवत्ता में बदलाव आ सके। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ठीक सामने तस्वीरों में सूबे के मुख्यमंत्री गोमती नदी में उतरकर और अचमन की जो प्रक्रिया है, जो सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया है, उसको कर रहे हैं। और इसको लेकर यहाँ पूरी सफाई की व्यवस्था की गई है। आप कैमरों में देख रहे होंगे कि सूबे के उप मुख्यमंत्री जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अचमन की प्रक्रिया होती है उसे वो कर रहे हैं और उनके साथ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष और साथ ही साथ लक्ष्मण मेला मैदान में जो ये पूरा आयोजन है इसके आयोजक प्रभुनाथ राय भी अभी गोमती के तट पर उतर कर अब अचमन की प्रक्रिया को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चार दिन का चलने वाला जो ये कार्यक्रम है उसमें जो लोग हैं वो खास तौर से यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल और तराई क्षेत्र के लोग होते हैं। जी देख पा रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद वहाँ पे मौजूद है, निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ पर खुद उन्होंने जल अर्चन किया और खुद भी इस उत्सव में शामिल हुए। चार दिवसीय इस महाछठ पर्व पर सूर्य उपासना के चार दिवसीय जो छठ पर्व मनाया जाएगा इस पे एक बड़ा जन सैलाब महिलाओं का वहाँ पे उपस्थित होगा भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने के लिए। फिलहाल मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिखाने की कोशिश करिए और अगर उनसे कुछ बाइट हो पाए तो वो भी कोशिश करिए। जी बिल्कुल, हम संवाद साधने का प्रयास करेंगे। अभी अगर बात किया जाए तो वो अपने पूजा अर्चना में अभी लगे हुए हैं। पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ छठ घाट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लोक संगीत गायक भी आए हुए हैं जो छठ पर जो तमाम गीते होती हैं उसे गा रहे हैं और छठ के इस महापर्व पर कहीं ना कहीं अपनी शिरकत कर रहे हैं और अपनी जो लोक गीत है उससे लोगों का जो केंद्र है वो अपने तरफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री के आने के पहले भी यहां पुलिस भारी मात्रा में मौजूद थी क्योंकि यहां तमाम वीवीआईपी और साथ ही साथ प्रदेश के राजधानी लखनऊ के
तमाम लोग आते हैं, सफाई की व्यवस्था आप सामने देख रहे हैं मनीष जी कि आपके ठीक सामने लखनऊ नगर निगम के तमाम कर्मचारी यहाँ पूजा अपने सफाई में लगे हुए हैं और सूबे के मुख्यमंत्री से आप देख सकते हैं कि वो अपने पूजा अर्चना को ख़त्म कर चुके हैं और धीरे धीरे वो एक एक करके सभी मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। हम भी उनसे संवाद साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये चार दिन का जो त्यौहार है उसका आज पहला दिन है और कल इसका कल दूसरा दिन होगा और इसमें तीसरे और चौथे दिन सबसे बड़ा महत्व होता है क्योंकि उसमें डूबते सूरज और उगते सूरज का अर्घ किया जाता है। जी, चाक चौबंद व्यवस्था को देखे जाए, नगर निगम पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है ताकि वहां पे कल जो महिलाएं इकट्ठा होंगी उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा ना झेलनी पड़े और वहाँ पे सारी व्यवस्था सही नज़र आ रही है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे परिवार के सदस्य खुद मौजूद होकर वहाँ पे नहाए खाए अपनी पूजा स्थान का चुनाव कर चुके हैं, वहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं ताकि सुबह सुबह वहाँ पर इकट्ठा होकर वो सूर्य नारायण का अर्घ दे सकें और पूजा कर सकें। अपने अपने तरीके से वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, लोग लक्ष्मण मेला पार्क में अपने रंग रोहन में लगे हुए हैं अपने पूजा स्थल के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गोमती नदी में इस समय बीएस पाठक, डिप्टी सीएम बीएस पाठक खुद वहां मौजूद हैं और मुखातिब हो रहे हैं सभी मीडिया कर्मियों से। चार दिवसीय ये महाछठ पर्व जिसकी तैयारियां लक्ष्मण मेला ग्राउंड में की जा रही हैं, सूर्य उपासना का चार दिवसीय त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पहुंचे हुए हैं सर, आप छठ को लेकर क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करते हैं, जिला ले जाओ गाड़ी में। पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद है कि नहीं ये पूरा निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए और अब वो अपनी प्रेस एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस वहां पे करेंगे जिससे वो संवाददाताओं को इसकी जानकारी देंगे। सामने एक पीपल का पेड़ है, वो भी उतने साल का हो गया है। आज छठ माई के महापर्व का प्रारंभ नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ गोमती के तट पर आकर के अपनी सुशोभिता को बना करके जा रहे हैं। इससे पहले अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के आदरणीय परमनाथ राय जी ने, उनकी पूरी टीम ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ नगर निगम ने, जिला प्रशासन लखनऊ ने, सब लोगों ने मिलजुल करके लखनऊ की घाटों की पूरी सफाई की है। गोमती तट पर जो गंदगी थी उसको हटाया है और जो मेंटेनेंस करना था, जो सीढ़ियाँ कहीं कहीं टूटी थी उनको मेंटेन किया है। इसके साथ ही साथ जो इसका मैदान था ये पहले कच्चा होता था तो इस पर इंटरलॉकिंग लगा करके उसको सुव्यवस्थित किया गया है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम कहीं नहीं देश में हो पाएगा। परमनाथ जी ने 40 वर्षों से लगातार इतने भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिला प्रशासन इनके साथ हर समय हर कदम पर खड़ा है, सरकार इनके साथ खड़ी है और यहाँ पर आप देखेंगे कल लाखों की संख्या में बहनें आकर के सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, छठ माई की पूजा करेंगी और अपने परिवार और अपने पति देव की स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने की कामना के साथ व्रत का पारण करेंगी। मैं ऐसे सभी पूरे देश की सभी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। व्रत उनका पूर्ण हो, उनकी मनोकांक्षा पूर्ण हो, उनकी जो इच्छा है पूर्ण हो। हम भी यहां सब परिवार आए हुए हैं और पूरे छठ घाट का निरीक्षण, वैसे अभी एक दिन पहले सफाई करने के लिए हम लोग आए थे, आज सफाई पूर्ण हो गई है, मैं देखने के लिए आया हूं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जल बहुत निर्मल आपको मिलेगा, सीधे सीधे ये जो जल आया है माँ गंगा का जल है और जल में आपको निर्मलता मिलेगी, आपको पूरी तरह से बहता हुआ जल मिलेगा, स्वच्छ निर्मल जल माँ गोमती के तट पर सभी बहनों को मिले, इस बात के सरकार ने सुनिश्चित इंतजाम किए हैं। मैं सभी बहनों को और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये लगातार 39-40 वर्षों से चलता हुआ प्रोग्राम है और मैं कह सकता हूं कि इससे बेहतर इंतजाम नहीं कोई कुछ हो सकता। हमने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया है कि वो लोग यहाँ पर, उनकी टीम यहाँ रहेगी, कैंप लगा करके वो यहाँ पर कोई यदि कोई बीमार होता है तो उसके लिए तत्काल दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, एम्बुलेंस भी मौके पर रहेगी और वैक्सीनेशन जो हमारे कोविड के हैं और इसके वाला डेंगू के मरीजों का भी परीक्षण हम लगातार यहाँ पर करते रहेंगे, कैंप स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। बोलिए छठी मैया की जय।
ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू भैया। अब जो लोग नहीं है उनको कॉन्फ्रेंस करते हुए संवाददाताओं से बातचीत की और छठ मैया पर सभी देशवासी प्रदेशवासियों को बधाइयां दी। मानसू, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। लखनऊ में एक महीने से ज्यादा समय से डेंगू और वायरल का प्रकोप लगातार बढ़ा हुआ है। डेंगू के कारण एक मरीज की जान भी जा चुकी है। इसके साथ ही शहर में एक्टिव केसों की संख्या 500 के पार हो गई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ सफाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रदेश भर में साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और वहाँ पर कहीं भी गंदगी ना हो इसके लिए फॉगिंग और छिड़काव बराबर किया जा रहा है। डेंगू के डंक से सावधान रहने की नसीहत पूरे प्रदेश में है। राजधानी में बढ़ता डेंगू का प्रकोप जिससे अस्पतालों की संख्या कम पड़ गई है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस खबर पर हमारे साथ विवेक शाही मौजूद हैं। विवेक, डेंगू की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लखनऊ में भी 500 ऊपर केस आ चुके हैं, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? जी मनीष जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले एक महीने से ज्यादा से ज्यादा डेंगू का प्रकोप है लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। और जहाँ तक चली गई है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओपीडी में लगभग 15 से 20 हजार जो है मरीज डेंगू की सिर्फ जांच कराने के लिए आ रहे हैं। अस्पतालों में इतनी भीड़ है और ब्लड जो है सैंपल के लिए कठिन होते जा रहा है। अभी कल की बात ले तो कल पूरे जनपद में जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो 23 जो है डेंगू के मरीज जो है नए मरीज जो है पाए गए हैं। हालांकि ये संख्या जो है अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जो है युद्ध स्तर से जो है उसको लेकर कार्य कर रही है। और अभी अभी जो है आज की अगर बात की जाए तो लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त रोशन जैकब जो है जिन्होंने बलरामपुर अस्पताल से लेके हजरतगंज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में औसत निरीक्षण किया और वहां पे जाके जो संचारी विभाग बना हुआ है वहां के डेंगू और मलेरिया के जो रोगी हैं जो वहाँ पे एडमिट है उनसे मुलाकात की और उनसे संवाद करते हुए उनका हालचाल पूछा और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी कि उन मरीजों का देखभाल किस तरह से हो रहा है। उन्हें रजिस्टर भी चेक किया कि कितने मरीज जो है ओपीडी में इस तरह इलाज करा रहे हैं, कितने मरीज जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं और कितने मरीज जो है नए आ रहे हैं। उसके बाद उनसे मरीजों से संवाद करने के बाद उन्होंने ये पूछा कि आपका जो है यहाँ पे दवाइयाँ जो है किस तरह से यहाँ पे अस्पताल प्रशासन द्वारा आपका ख्याल रखा जा रहा है और आपको जो है भोजन सामग्री में क्या दिश किया जा रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो मंडलायुक्त जो है औसत निरीक्षण पे आज पहुंची हुई थी। सरकारी रोग विभाग के दोनों बड़े अस्पताल है लखनऊ के वहां पे औसत निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिए कि जो दवाइयां जो है अस्पताल में पहले से मौजूद है उनको जो अनावश्यक रूप से मरीजों को बाहर से लाने के लिए ना कहा जाए और जो दवाइयां जो अस्पताल में मौजूद नहीं है उनकी भी एक लिस्ट बनाने को उन्होंने कही। साथ ही मनीष जी आपको बता दें कि मंडलायुक्त रोशन जैकब जो है वो औसत निरीक्षण पर निकली तो वो हजरत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है अस्पताल में वो गई और उसके बाद जो है वहाँ के जो फिजिशियन दिक्कुंडी वर्मा ऐसा उनके संज्ञान में आया कि वो अस्पताल में दवाइयाँ होने के बावजूद जो है वो बाहर से दवाइयाँ लिखने को मरीज को कह रहे थे। उससे उन्होंने संज्ञान लिया और प्रतिकूल प्रवृत्ति पाने में उनको दिशा निर्देश भी दिया। तो मनीष जी कह सकते हैं कि थोड़ा देर से ही लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब युद्ध स्तर पर डेंगू से काम कर रही है। कल जो है सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्राइम टीवी से बात करते हुए ये बताया भी कि किस तरह से डेंगू को जल्दी काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने आंकड़े की एक बात करते हुए कहा कि पिछली बार जो है 17,000 से ज्यादा केसेस थे लेकिन इस बार जो केसेस की तुलना जो है आधे से भी कम है। तो बहुत ही जल्दी डेंगू की स्थिति को मिटा दिया जाएगा और इस जो हालात जो बिगड़े हुए हैं इस पर जो है काबू पा लिया जाएगा। मनीष जी जी विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद में आज सीएम मनोहरलाल खट्टर ने नीट के नए बस अड्डे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक समेत पूर्व विधायक और बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी के मुताबिक पीपी
पी मोड़ पर 4 एकड़ में 125 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बनाया गया है, जिसके साथ ही बस स्टैंड का नाम डॉक्टर मंगल सेन बस कोर्ट होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पीपीपी मोड़ का ये बस स्टैंड इंटीग्रेटेड क्लोसी डेंटेड कमांड सेंटर के जरिए जुड़ेगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। हरियाणा में पहला बस स्टैंड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ बना है, पहला बस स्टैंड फरीदाबाद में बना है, और ये इस तरह का बस स्टैंड होगा जो जैसे आप एयरपोर्ट पर देखते हैं या रेलवे पर देखते हैं, और इस तरह का ये बस स्टैंड जो बना है जो 125 करोड़ की लागत के आसपास इसमें लागत आई है, क्योंकि इस पर हमने बनवाया है और 4.5 एकड़ के आसपास इसकी ज़मीन है और ये सबसे पुराना बस अड्डा है। ये जो NIT का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस दो मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये दो बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। इस खबर पर हमारे साथ मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, 4 एकड़ 125 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बनाया गया है, मोहनलाल खट्टर ने खुद इसका उद्घाटन किया है, इसके संबंध में क्या जानकारी है आपके पास? मनीष जी बता दें, कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात ये मनोहर खट्टर द्वारा दी गई है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में अगर बात की जाए तो 7 जिले में अब इस यहाँ से बस चलेंगी और फरीदाबाद का समय बड़ा बस स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि आधुनिक सुविधा से अगर बात की जाए तो सुविधा सारी आधुनिक सुविधा इसके अंदर लगाई है, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे CCTV कैमरे की नज़र हो, टिकट काउंटर की अगर बात की जाए तो 17 टिकट काउंटर इसके अंदर बनाए गए हैं, और पार्किंग की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा वाहन इसके अंदर पार्क कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो करीब 125 करोड़ की जो लागत है वो इसके अंदर लगाई गई है, और काफ़ी बड़ा हाईटेक स्टेशन यहाँ NIT बनाया गया है। जी, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इस बस अड्डे को बनाया गया है, जनता को उससे बहुत ही सहूलियतों का जरूर मिलेंगी और उनको काफ़ी इसका फायदा भी पहुंचेगा। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से BJP सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने बीते मंगलवार समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। उन्होंने चंदौली में अपने जनसंबोधन में कहा कि असली यादव देश के हैं, बाकी अखिलेश के वहीं। उन्होंने आजमगढ़ के सपा विधायकों पर कोई विकास कार्य ना करने का आरोप भी लगाया। अब इसके बाद बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने BJP सांसद को जवाब देते हुए कहा कि आजमगढ़ में अभी तक जितना विकास हुआ है वह सपा के कार्यकाल में ही हुआ। आजमगढ़ के सांसद का जो बयान आया है वो बेहद शर्मनाक बयान है, और मैं समझता हूँ कि जब व्यक्ति सांसद चुन लिया जाए और चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो कम से कम उसको सतही बयान देने के बजाय तथ्यों का आकलन कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के यादव समुदाय के लोगों ने पूज्य नेताजी में और जितने भी दलित वंचित और हाशिए के पे जो समाज था, जो वर्ग था, उसने पूज्य नेताजी को, समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना है और वो अंत तक मानता रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जात की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई जो लोग हक के हाशिए पे खड़े हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक न्याय दिलाने की। आप बयान देते हो, आपको क्या पता है आप इस पर बयान दे पाओगे कि उत्तर प्रदेश UPSC का रिजल्ट आया है उसमें कितने यादव उस कम्युनिटी के लोग हैं, उसी चंदौली बनारस में कितने यादवों की हत्या कर दी गई, बयान दे पाओगे आप, सरकार से सवाल कर पाओगे? चूंकि आप एक गुलाम हो, और जो व्यक्ति गुलाम हो जाता है किसी का वो अपने अंतस मन से कोई बयान नहीं देता, बल्कि अपने राजा का, अपने तानाशाह की वो गुलामी करता है, और आप गुलामी कर रहे हैं, और आपको इस तरह के बयान के लिए देश के यादव कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।